षड दोष कृष्ण हतव्यम भूति मिष्ठा निंद्रा तंद्रा भय क्रोध लोभ आलस्य दीर्घश्रुतता। छह ऐसे दोष हैं जो ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए हमेशा बाधक माने जाते हैं, निंद्रा तंद्रा भय क्रोध लोभ अथवा आलस। यदि कोई भी मनुष्य इन छह दोषों पर अथवा इन छह अवगुणों पर नियंत्रण कर ले तो ईश्वर को भी प्राप्त कर सकता है। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार कश्यप संपूर्ण भारतवर्ष के समस्त श्रोतागण एवं दर्शकों को धर्मेंद्र मोटिवेशनल क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले सत्र में मैंने त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में चर्चा किया था। आज मैं उन सूत्रों को प्रमाणित अथवा उल्लेख करूँगा। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, परंतु कैसे? तो साइन स्क्वायर थीटा की बात किया जाए तो आपको पता होगा कि साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लंब और बटा कर्ण। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस के प्लस लिखेंगे। यदि कोस थीटा के बात किया जाए तो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार की बात किया जाए तो यहाँ पे लिखेंगे आधार और बटा कर्ण, और स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ाएंगे। लंब को दो बार गुना कीजिएगा तो लंब गुने लंब क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। कर्ण को दो बार गुना कीजिएगा तो कर्ण गुने कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर। अब प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। आधार को दो बार गुना कीजिएगा तो क्या होगा जी, आधार स्क्वायर। कर्ण को दो बार गुना कीजिएगा तो कर्ण स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर दोनों का लघुत्तम क्या होगा, कर्ण स्क्वायर। अब जब कर्ण स्क्वायर में कर्ण स्क्वायर से भागा दीजिएगा तो कट जाएगा, और कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर में भाग देने के बाद कटने के बाद कितना आएगा जी, एक आएगा। और जब एक से लंब स्क्वायर में गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, लंब स्क्वायर। प्लस से तो प्लस लिख दीजिए, फिर कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर में भागा दीजिएगा तो एक बार में कटेगा। अब एक से आधार स्क्वायर में गुणा कीजिएगा तो आधार स्क्वायर। और जैसा कि आप जानते होंगे लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। तो अब बताइएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, और बटा कर्ण स्क्वायर। और जब कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कट गया तो कितना आया, एक। आपको पता होगा कि बराबर की इधर वाले को एलएचएस कहते हैं और बराबर की इधर वाले को आरएचएस कहते हैं। मैंने एलएचएस से चला और आरएचएस प्रूव किया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए।